सो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना था, और एसिडिक स्ट्रेंथ में एक ऑप्शन था आपका BF3, एक BCl3, एक BBr3 और एक Bi3 था, यही था ना? Yes, sir. Okay. So, आप लोगों ने इस इनमें से मोस्ट एसिडिक कौन है? Bi3 इज द मोस्ट एसिडिक, किसने बोला? अच्छा, आप किसी और का आईडी यूज कर रहे हो, मीन्स आईडी का मतलब नेम चेंज है? जाकिया? ओके बेटा, और क्या है भाई, इन चारों में मोस्ट एसिडिक Bi3 सबका आंसर ही है, Bi3। ओके, तो मैं ऑर्डर पहले लिख देता हूं, फिर एक्सप्लेन करूंगा कि वाई Bi3 इज द मोस्ट एसिडिक। एग्जैक्टली आप लोग सही लिखे हो, यहां पे ऑर्डर में Bi3 विल द मोस्ट एसिडिक, फॉलोड बाई BBr3, देन BCl3, देन BF3। बेटा आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, इसमें क्वेश्चन आपके मेडिकल एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि आउट ऑफ द फोर विच इज द मोस्ट एसिडिक, तो Bi3 ऑब्वियसली मोस्ट एसिडिक है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द रीजन कि वाई Bi3 इज द मोस्ट एसिडिक? यहां पे हम लोग जाकिया क्या कह रहे हो? बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ये कह रहे हो आप? ओके, और कोई? दो बेटा ध्यान देना, सबसे पहले अगर हम लोग एक एक करके, मैं सारे मॉलिक्यूल को यहां पे शो कर रहा हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम BF3 की बात करते हैं, राइट? पहले ये समझो कि यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि इनमें से मोस्ट एसिडिक कौन है, तो ये किस तरह के एसिड हैं, पहले ये पहचानना है हमें, राइट? तो आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि जब हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं तो वी हैव बेसिकली थ्री क्लासिफिकेशन फॉर एसिड, राइट? एक होता है आपका अर्हेनियस एसिड, ठीक है, दूसरा होता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी, एंड थर्ड इज लुइस एसिड, राइट? तो यहां पे हम लोग जो BF3 मॉलिक्यूल गिवन है, इसको हम लोग लुइस एसिड बोलेंगे, राइट? कि दिस विल बी अंडर लुइस एसिड क्लास। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखो, तो याद रखना है कि लुइस एसिड्स कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होगा, राइट? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, ठीक है? अच्छा बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो बेसिकली जो लुइस एसिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जनरली आप क्या देखोगे कि लुइस एसिड्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब कि उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। तो जैसे BF3 में अगर आप देखो तो वी हैव बोरोन, इसके बाद हमारे पास क्या है, 3 फ्लोरीन एटम है, एंड एज वी नो कि बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, इसके वैलेंस शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है, राइट? अच्छा, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन का शेयर कर रहा है, इसका मतलब बोरोन के वैलेंस शेल में BF3 मॉलिक्यूल के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल हो गया, राइट? अच्छा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें कितना चाहिए होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यहां पे BF3 मॉलिक्यूल में जो बोरोन है, इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, राइट? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बोरोन हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा, राइट? और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब इसको हम लोग लुइस एसिड कहेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो चार मैंने BF3, PCl3, BBr3 और Bi3 जो चार कंपाउंड्स गिवन थे, ऑल दिस फोर कंपाउंड्स विल बी लुइस एसिड्स। और अगर पूछा जाए कि क्यों इनको हम लुइस एसिड कह रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी विद बोरोन एटम, कि जो बोरोन एटम है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, एंड सिंस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इसलिए ये लुइस एसिड बन जाएगा। अब हम यहां देखते हैं कि जैसे BF3 की बात करें, तो सबसे पहले ध्यान देना कि BF3 मॉलिक्यूल के अंदर
कुछ इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि फ्लोरीन है और यहाँ पे बोरोन विल हैव एन एम्प्टी पी ऑर्बिटल, राइट। कि बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो 1s2 2s2 2p1, राइट। तो आउट ऑफ 3 पी ऑर्बिटल्स, राइट, 2 पी ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बोरोन का वन ऑफ द पी ऑर्बिटल इज एम्प्टी। जब बॉन्ड बनाता है तो एक्चुअली होगा क्या ना कि जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर शिफ्ट हो जाता है और जनरली ये बन जाता है 1s2 2s1 और 2p2 बन जाता है, राइट। तो वन ऑफ द पी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन इज एम्प्टी हियर। अब देखो क्या होगा कि फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, राइट। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p5, राइट। तो इसका मतलब कि पी ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग है, ठीक है। अब होगा क्या कि BF3 मॉलिक्यूल में फ्लोरीन का जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बोरोन अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या करेगा, शेयर करेगा वाया बैक बॉन्डिंग, राइट। और मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था कि अगर पूछा जाए कि इस बॉन्ड का नेचर क्या होगा तो बॉन्ड का नेचर क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। सिमिलरली, अच्छा अब यहां पर देखो क्या है कि जो बोरोन का एम्प्टी पी ऑर्बिटल है दैट बिलोंग्स टू विच एनर्जी लेवल, तो उसका एनर्जी लेवल सेकेंड है, राइट। तो दिस इज ऑफ सेकेंड एनर्जी लेवल, राइट। इसके बाद अगर हम लोग इस फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग पी ऑर्बिटल की बात करें तो ये भी किस एनर्जी लेवल का है, दैट इज सेकेंड एनर्जी लेवल, ठीक है। तो यहां पे इसका मतलब क्या है कि जो बैक बॉन्डिंग में ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं वो बोरोन का एम्प्टी पी ऑर्बिटल दैट इज बिलोंगिंग टू द सेकेंड एनर्जी लेवल, एंड सिमिलरली जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल है वो भी सेकेंड एनर्जी लेवल का है, क्लियर। अब मैं BCl3 की तरफ मूव करता हूं, तो देखो BCl3 की अगर हम बात करें तो अगेन बोरोन और इसके अराउंड हमने क्या किया, 3 क्लोरीन को प्लेस कर दिया। फिर से वही बात होगा कि बोरोन का एक 2p ऑर्बिटल एम्प्टी है, राइट, और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल होगा ये कौन सा होगा, 3p होगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना कि जब BF3 की बात कर रहे थे तो जो बैक बॉन्डिंग वॉज टेकिंग प्लेस दैट वॉज बिटवीन 2p वर्सेस 2p, राइट, कि जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल बोरोन का था दैट वॉज बिलोंगिंग टू द सेकेंड एनर्जी लेवल, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल है वो भी कौन सा, 2p है, राइट। तो यहाँ पे जो बैकबोन का फॉर्मेशन हो रहा है वो 2p 2p के बीच हो रहा है, ठीक है। जबकि BCl3 की बात करें तो जो बोरोन का एम्प्टी पी ऑर्बिटल है वो सेकेंड एनर्जी लेवल मीन्स 2p का है, लेकिन क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल है वो किसका है, 3p का है। तो यहाँ पे जो बैकबॉन्डिंग है वो 2p वर्सेस 3p का है। सिमिलरली अगर मैं BBr3 की बात करूँ तो BBr3 में हम क्या लिख सकते हैं कि नाउ वी विल हैव 3 ब्रोमीन एटम, और जो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, 4p का होगा, और जो बोरोन का एम्प्टी पी ऑर्बिटल होगा वो 2p का होगा। एंड सिमिलरली जब Bi3 की तरफ मूव करेंगे तो Bi3 में जो बैक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो होगा 2p वर्सेस 5p का। अब याद रखना है कि देखो बैक बॉन्ड का जो एक्सटेंट होता है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से ऑर्बिटल का मीन्स इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, राइट। तो देखो याद रखना है कि जब बैक बॉन्डिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, राइट, उन ऑर्बिटल्स के बीच हो जिनका एनर्जी लेवल सेम हो या एनर्जी सिमिलर हो तो उस केस में एक्सटेंट टू बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। तो पहले एक नोट लिखोगे आप लोग, मैं लिख देता हूं यहां पे, नोट में लिखेंगे द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग सिमिलैरिटीज इन द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द बैक बॉन्डिंग। पहले ये पॉइंट आप लिख लो, राइटिंग समझ के लिखना आप लोग। मैंने नोट में लिखा है कि द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग सिमिलैरिटीज इन द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द बैक बॉन्डिंग। कि बैक बॉन्डिंग में जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं उनका एनर्जी जितना सिमिलर होगा एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा या ग्रेटर होगा कह सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन द नोट आई हैव रिटन
The extent of back bonding increases with the increasing similarities in the energies of orbitals involved in the back bonding. कि back bonding में जो orbitals involved हैं उनका energy जितना similar होगा extent of back bonding उतना ही stronger होगा, right? अब आपसे पूछा जाए कि ठीक है, यहाँ पे मैंने तीन compounds के back bonding को represent किया है, एक BF3 में back bonding, एक BCl3 में back bonding और एक BBr3 में back bonding, right? तो इन तीनों में अगर हमें extent of back bonding को compare करना होगा तो हम लोग conclude कर सकते हैं कि most effective back bonding जो होगा वो BF3 में होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2p 2p के बीच हो रहा है, ठीक है. उसके बाद back bonding के extent की बात करें तो वो किसके बीच होगा? BCl3 में होगा. and the least effective out of three BBr3 में होगा, क्योंकि just in the note I have written कि जो orbitals back bonding में involved है उनका energy जितना similar होगा extent of back bonding उतना ही ज्यादा होगा. तो यहाँ पे I can conclude, right? मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर इन तीनों कंपाउंड में अगर मुझे एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग को कंपेयर करना है तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग में मैं लिख सकता हूं कि BF3 में मोस्ट इफेक्टिव, देन BCl3, देन BBr3. ऑल्दो मैंने Bi3 को यहां पे शो नहीं किया है लेकिन अगर Bi3 को भी ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे 2p वर्सेस 5p का बैक बॉन्डिंग होगा, तो लास्ट विल बी Bi3, ठीक है ना. तो ये है आपका एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग. अब बेटा बात देखो, जब हम लोगों ने इनिशिएट किया था क्लास को तो मैंने आपको बोला था कि जो चार कंपाउंड जिसके एसिडिक स्ट्रेंथ को हमें कंपेयर करना है तो बेसिकली ये चारों कंपाउंड लुईस एसिड्स हैं. लुईस एसिड्स का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, राइट. और याद रखना है कि लुईस एसिड्स में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा वो एसिड होता है, राइट. तो एक और हम लिख सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड होगा, राइट, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, राइट, कि जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगा, वो उतना ही अच्छा एसिड माना जाएगा, राइट. और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो किसके पास है? दैट इज अराउंड बोरोन एटम, राइट. और बोरोन अपने एम्प्टी पी ऑर्बिटल को ही यूज करेगा बाहर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके लुईस एसिड की तरफ बिहेव करने के लिए, राइट. तो देखो भाई कि सिंस हमने कह दिया कि इन केस ऑफ BF3, राइट, यहां पे बैक बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है. इसका मतलब कि जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको बोरोन अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या है, मोर स्ट्रॉन्गली विड्रॉ कर रहा है. इसका मतलब क्या है कि जो पी ऑर्बिटल बोरोन का एम्प्टी है उसमें इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन आ गया, राइट. इलेक्ट्रॉन आ जाने का मतलब कि अब ये लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और अगर ये लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसका मतलब क्या है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा. तो जब हम लोग स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि BF3 सबसे वीकेस्ट होगा. क्यों सबसे वीकेस्ट मान रहा हूं? क्योंकि बोरोन का जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है मोर इफेक्टिवली एकोमोडेट कर गया है, मींस यहां पे डेफिशिएंसी अब कम रह गया है, इसलिए BF3 को हमने कम बोला. इससे ज्यादा BCl3, देन वी हैव BBr3, एंड द मोस्ट एसिडिक विल बी Bi3. जाकिया प्लीज आप सुनना में रखो, आपने बोला कि Bi3 में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है ना. Bi3 में भी बैक बॉन्डिंग होगा लेकिन जो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग होगा दैट विल बी वेरी पुअर. मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आपके नीट एग्जाम में आ गया कि विल Bi3 अंडरगो बैक बॉन्डिंग, तो यस इट विल अंडरगो बैक बॉन्डिंग, लेकिन जो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं या जो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं वो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग पुअर होगा. क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि जैसे ही हम Bi3 को इन्वॉल्व करेंगे तो आयोडीन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल होगा वो 5p वाला होगा, और जो बोरोन का एम्प्टी पी ऑर्बिटल होगा वो 2p वाला होगा. तो 5p और 2p के बीच जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत ही पुअरली होगा, एंड हेंस वी विल से कि जो बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ है वहां पे बहुत ही पुअर होगा. और बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ पुअर है इसका मतलब उसका जो पी ऑर्बिटल एम्प्टी है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी अधिक होगा, एंड मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का मतलब कि इट विल हैव मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम आउटसाइड, एंड हेंस उसका एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाएगा. बेटा किसी को कोई डाउट यहां पे?
किसी को कोई डाउट नहीं है? अरे कुछ तो बोल दो, हाँ ना जो भी है। आई कुड प्रोसीड। क्लियर हो गया बेटा? अब देखो क्या है, एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में कि लुइस ने ऑक्टेट रूल को सजेस्ट किया था कि बेसिकली जो एटम्स होते हैं वो बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए करते हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, राइट। लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस देखा गया कि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है, इन स्पाइट ऑफ दैट उसका एग्जिस्टेंस होता है, राइट। जिसमें हम लोगों ने एक हाइपोवेलेंट स्पीशीज को डिस्कस किया था, और हाइपोवेलेंट स्पीशीज का मतलब कि वो स्पीशीज जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, राइट। कि जहां पे भी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो उस केस में स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे, हाइपोवेलेंट कहते हैं, राइट। अच्छा एक चीज वहां पे मैंने क्लियर कर दिया था कि लुइस ने ऑक्टेट रूल के थ्रू ये तो बता दिया था कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने से मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्यों बढ़ता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर कर लेना, और इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर करने का मतलब कि इनर्ट गैस की तरह ही स्टेबल हो जाना, राइट। लेकिन अगर कोई हाइपोवेलेंट है तो वहां पे तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मींस इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं उसको मिल पा रहा है, तो फिर वो स्टेबलाइज कैसे होता है। तो उनके स्टेबिलिटी के लिए हमने दो अलग अलग कंडीशंस को पढ़ा था, एक था आपका डाइमराइजेशन और दूसरा था बैक बॉन्डिंग, राइट। एक और पॉइंट मैंने बताया था आपको कि डाइमराइजेशन के दौरान जो मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी होता है वो बैक बॉन्डिंग से अधिक होता है। इसके पीछे रीजन क्या था कि डाइमराइजेशन में सिग्मा बॉन्डिंग इन्वॉल्व होता है जबकि बैक बॉन्डिंग में पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, और सिग्मा और पाई के बीच जो स्टेबिलिटी होगा वो सिग्मा का अधिक होता है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल डाइमराइज करता है तो उस केस में मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी विल बी हायर एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल विच विल अंडरगो बैक बॉन्डिंग, राइट। तो जहां पे भी क्वेश्चन आएगा कि डाइमराइजेशन और बैक बॉन्डिंग में हायर स्टेबिलिटी किस में होगा तो इट विल बी डाइमराइजेशन। रीजन क्या है कि डाइमराइजेशन विल इन्वॉल्व सिग्मा बॉन्डिंग वेयर एज बैक बॉन्डिंग विल इन्वॉल्व पाई बॉन्डिंग। क्लियर? अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट स्पीशीज हमारे होंगे दैट विल बी हाइपरवैलेंट स्पीशीज, ठीक है। कि हाइपोवैलेंट देवर हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, राइट, और जो हाइपरवैलेंट है उनका ऑक्टेट एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। जिसके पास आठ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आ गया तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसका आठ से कम है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हाइपोवैलेंट नाम दिया था, और जिसका ऑक्टेट आठ से अधिक मीन्स ऑक्टेट का एक्सटेंशन हो जाए कि जिसके वैलेंस शेल में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे उनको हम हाइपरवैलेंट स्पीशीज बोलेंगे। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, स्पीशीज इन विच द सेंट्रल एटम हैज एक्सटेंडेड ऑक्टेट are called hypervalent species, कि जिन molecule में central atom का octet extended होगा उनको हम लोग hypervalent species बोलेंगे, ठीक है ना। कि जिस molecule में octet extended होगा that will be hypervalent species. So 8 electrons in the valence shell, complete octet, less than 8 electron, incomplete octet, hypovalent, and more than 8 electrons तो उस केस में उसको हम लोग एक्सटेंडेड ऑक्टेट बोलेंगे और स्पीशीज विल बी हाइपरवैलेंट। अच्छा ये तो क्लियर हो गया कि हाइपोवैलेंट में डाइमराइजेशन एंड द बैक बॉन्डिंग वर द ड्राइविंग फोर्सेस जिसके थ्रू मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट हाइपरवैलेंट। तो बड़ा ध्यान रखना है कि हाइपरवैलेंट स्पीशीज, राइट, उसमें क्या होगा कि ऑक्टेट एक्सटेंडेड है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड आर हायर, राइट। और ध्यान रखना है कि एक मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एनर्जी का लॉस उतना ही अधिक होगा एंड हेंस मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, राइट। तो यहां पे एक नोट लिख सकते हो आप, इन केस ऑफ हाइपरवैलेंट स्पीशीज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स
formed are more as that of molecules with complete octet and more are the number of bonds more will be the loss of energy and hence more will be the stability. बेटा थोड़ी राइटिंग मेरी अच्छी है इसलिए जहां पे भी समझ में नहीं आएगा पूछ लोगे. मैंने लिखा है नोट में इन केस ऑफ हाइपरवेलेंट स्पीशीज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड आर मोर एज दैट ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ कंप्लीट ऑक्टेट एंड मोर आर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स मोर विल बी द लॉस ऑफ एनर्जी एंड हेंस मोर विल बी द स्टेबिलिटी. तो बेसिकली हाइपरवेलेंट स्पीशीज में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हायर होने की वजह से मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी अधिक होगा. ठीक है ना, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू डिस्क्राइब करता हूं कि किस तरीके से हाइपरवेलेंट में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स अधिक होता है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल विद कंप्लीट ऑक्टेट एंड हेंस हायर स्टेबिलिटी क्यों होगा. शुड आई प्रोसीड? यस सर. ओके, लिख लिया सबने? यस सर. तो एक एग्जांपल लेते हैं. लेट अस कंसीडर अ मॉलिक्यूल दैट इज PCl3 और एक मॉलिक्यूल लेते हैं दैट इज PCl5. ठीक है ना, एक हमने क्या लिया PCl3 और एक लिया PCl5, राइट. मैं आपको PCl3 और PCl5 दोनों को यहां पे डिस्क्राइब करता हूं कि किसमें ऑक्टेट का एक्सटेंशन हो रहा है और किसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट. तो पहले PCl3 की बात करें तो बेटा हमें पता है कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इट विल हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, राइट. सिमिलरली जब क्लोरीन की बात करूंगा तो क्लोरीन 17 और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होंगे, राइट. तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि अगर PCl3 को यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा तो आई कैन राइट इट लाइक दिस कि फॉस्फोरस और इसके अराउंड 3 क्लोरीन एटम का प्रेजेंस है, राइट. और फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से 5 हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 5. और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गया. ठीक है, सिमिलरली इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, इस क्लोरीन के भी वैलेंस शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है ना, अब क्या होगा कि फास्फोरस अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, राइट, देखो क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का शेयर कर रहा है और इस तरीके से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया. 5 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में थे, एक इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, एक इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को शेयर किया. सिमिलरली क्लोरीन भी क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा. सो यहां पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इन केस ऑफ PCl3 मॉलिक्यूल फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है. यहां पे ऑक्टेट का एक्सटेंशन मींस हाइपरवेलेंट हाइपोवेलेंट स्पीशीज ये है ही नहीं, ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है. अब थोड़ा सा मैं PCl3 को दिखाता हूं ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट. अब याद रखना बेटा कि जैसे यहां पे आप देख सकते हो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज लुईस स्ट्रक्चर. इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रहा है. तो अगर मैं फास्फोरस को देखूं तो आई कैन राइट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और आपको पता है कि सिर्फ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में भाग लेता है. इसका मतलब यही वैलेंशियल है और यही वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेंगे, राइट. अच्छा बेटा एक और चीज है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है कि किसी भी शेल में कितने सबशेल्स होंगे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है. तो यहां पे वैलेंस शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है,
इसका मतलब कि इस थर्ड शेल के अंदर कुल 3 सब शेल होने चाहिए। तो S और P तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, इसका मतलब यहां पे 3D भी होगा जो कि एम्प्टी होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग कि किसी भी पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने सब शेल्स पॉसिबल होंगे वो उस शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और सिंस यहां पे जो वैलेंस शेल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, इसका मतलब इस थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल्स की पॉसिबिलिटी होगी। तो एक एस और पी तो मैंने लिख दिया, तीसरा डी सब शेल भी होगा जो कि खाली होगा। अब यहीं पे देखो मैं थर्ड शेल को यहां पे शो कर रहा हूं, तो आई विल हैव 3s ऑर्बिटल, देन विल हैव 3p और इसके बाद क्या होगा 3d ऑर्बिटल्स होंगे, राइट। 3d के ऑर्बिटल्स से 3s में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, नाउ 3s के अंदर देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस कॉन्फिगरेशन को देखकर आप बताओ, जस्ट सी दिस कॉन्फिगरेशन, वैलेंस शेल का कॉन्फिगरेशन, एंड यू हैव टू सजेस्ट मी कि इस कॉन्फिगरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉस्फोरस कुल कितना कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। जस्ट ऑब्जर्व दिस कॉन्फिगरेशन ऑफ फॉस्फोरस, जो वैलेंस शेल का कॉन्फिगरेशन है, राइट। बेस्ड ऑन दिस वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन यू हैव टू सजेस्ट मी कि हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉस्फोरस कैन फॉर्म। तो आप बोलोगे 3 बनाएगा, क्यों भाई, क्योंकि तो वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब यहां पे फॉस्फोरस 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो मैं लिख सकता हूं कि इन दिस केस फॉस्फोरस विल फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बिकॉज इट हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। और साफ सी बात है भाई, PCl3 है, इसमें फास्फोरस और क्लोरीन के बीच 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनने, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन अगर मैं एग्जांपल लूं PCl5 का, ठीक है, क्या मैं एग्जांपल ले रहा हूं PCl5 का, तो बेटा यहां पे PCl5 में अगर आप देखोगे तो PCl5 में हम कह सकते हैं कि देयर शुड बी हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स, 5 कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। कि PCl3 में सिर्फ 3 कोवेलेंट बॉन्ड का रिक्वायरमेंट था, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन PCl5 में देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो व्हाट विल हैपन, मैं अंदर के कॉन्फिगरेशन को नहीं शो करूंगा, सिर्फ ये शो कर रहा हूं कि जो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, देन 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, देन 3d क्या है, दैट इज एम्प्टी, ठीक है। अब PCl5 के फॉर्मेशन में क्या होगा कि एक जो 3s का इलेक्ट्रॉन है दैट विल जंप इनटू द आउटर 3d, ठीक है। रेस्ट 3p के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट थे, राइट। सो इन PCl5 फॉर्मेशन वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s ऑर्बिटल हैज शिफ्टेड टू द आउटर एम्प्टी 3d ऑर्बिटल, राइट। जिस तरीके से अब यहां पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, राइट, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि नाउ दिस कैन फॉर्म 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट। तो यही होता है हाइपरवैलेंट में, कि जो हाइपरवैलेंट स्पीशीज होते हैं उनमें वैलेंस शेल का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर एम्प्टी ऑर्बिटल में शिफ्ट करके अनपेयरिंग को कैरी आउट करेगा। और जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हाइपरवैलेंट स्पीशीज का फॉर्मेशन बढ़ता चला जाएगा, राइट, एंड हेंस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बढ़ेगा और मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी इंक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर हो गया कि हाइपरवैलेंट बनता कैसे है, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए कि व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ हाइपरवैलेंट स्पीशीज, ठीक है, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ हाइपरवैलेंट स्पीशीज, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके हिमांशी, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, प्लीज अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज कि वॉट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ हाइपरवैलेंट स्पीशीज। हार क्या बोला भाई, फिर से बोलो। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंग्रेजी भयंकर बोलता है रे भाई, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, निहार ने बोला। और कोई? अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ हाइपर वैलेंट स्पीशीज? मंजूश्री, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन ऑफ द आंसर आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द ऑफलाइन पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कोई? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन्ड बाय द एक्सटेंडेड ऑक्टेट। और सोचो, आज तमन्ना नहीं है क्या? हाँ भाई, नहीं सर, उसकी तबीयत खराब है। हैं भाई, ऊपर वाले से सब दुआ करो कि नीट के पेपर तक कोई तबीयत खराब ना हो। एक बार नीट का पेपर हो जाए फिर एक आदमी की तबीयत खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसके पहले नहीं। वैसे वी आर एक्सपेक्टिंग नीट टू टाइम्स दिस ईयर, दो बार हो सकता है, लेट्स सी। आईआईटी चार बार हो गया, एक साल में चार बार आईआईटी का पेपर होगा। तो मेडिकल वाले लड़ रहे हैं कि ये क्या बात है भाई, आईआईटी वालों को तुम एक साल में चार बार पेपर ले रहे हो, हमारा भी दो बार कम से कम लो। और चार में पता ये नहीं कि आप बेस्ट ऑफ फोर, जैसे मानो पहला दिया मजा नहीं आया, दूसरा दिया थोड़ा कम मजा आया, तीसरा दिया बहुत मजा आ गया, चौथा दिया थोड़ा कम मजा आ गया, तो जिसमें बहुत मजा आया वो सिलेक्ट कर लेंगे। दैट मीन्स दैट इज अ काइंड ऑफ बायस टुवर्ड्स जेई एस्पायरेंट्स, राइट। लेट्स सी, मेडिकल का अगर दो बार हो जाए तो ठीक है भाई। मेरा क्वेश्चन फिर से, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? अब सुनना सब, बहुत सिंपल आंसर है यार। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये अनपेयर्ड मिस ऑर्बिटल खाली नहीं होता, ऐसे सुनोगे, अगर ये ऑर्बिटल्स खाली नहीं होते तो क्या हाइपरवैलेंट बन पाता? नहीं बन पाता ना, बोलो भाई। तो बेटा ड्राइविंग फोर्स एम्प्टी ऑर्बिटल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर एटी सर टू कम एंड टेक कास्ट ओएसिस, मैं क्या बोलूंगा? ऐसा स्टेबिलिटी। ओ हाँ क्या, अच्छा सैलरी बोला उसने, हाँ नहीं मिलेगा, नहीं हम तो भोगते हैं पैसे से, ये पैसे दो भोगते रहेंगे, राइट। तो ये सब रीजन वही है ना कि भाई अगर यहाँ पे खाली ऑर्बिटल नहीं होता तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाता? नहीं जा पाता ना। ये तो बात की बात है कि ऑक्टेट के एक्सटेंशन से स्टेबिलिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज या वॉट एवर द रीजन, लेकिन पहले तो ये घर खाली है, ये घर नहीं खाली होता तो ये बाहर, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लो एक ही, देखो एक NCl3 ले रहा हूँ और एक मैं PCl3 ले रहा हूँ, राइट। तो हम, आपने पढ़ा होगा 12th में, और जब पी ब्लॉक टीचर ने पढ़ाया होगा ना तो चिल्ला चिल्ला कर बोला होगा कि NCl3 नाइट्रोजन बनाता है, NCl5 नहीं बनाता है। ये बोर्ड का तकिया कलाम क्वेश्चन है, तकिया कलाम का मतलब लगभग हर साल दे देता है। फॉस्फोरस जो कि नाइट्रोजन के ग्रुप का ही है, वो PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। फिर से आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द सेम ग्रुप, राइट। लेकिन नाइट्रोजन NCl3 का फॉर्मेशन तो करता है लेकिन NCl5 का फॉर्मेशन नहीं करता है, राइट। सिमिलरली जब हम फॉस्फोरस जो कि सेम ग्रुप का है वो PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है, इसका मतलब कि नाइट्रोजन कैन नॉट अंडरगो हाइपरवैलेंट स्पीशीज फॉर्मेशन, जबकि फॉस्फोरस जो है वो हाइपरवैलेंट स्पीशीज का फॉर्मेशन कर सकता है। क्यों भैया? जब नाइट्रोजन की बात करोगे तो नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2p3, राइट। और मैंने बोला कि किसी भी शेल में जो पॉसिबल नंबर ऑफ सबशेल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैलेंस शेल का 2 है, तो 2 सबशेल पॉसिबल है, एस और पी, डी यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन जब फॉस्फोरस की हमने बात की तो यहाँ पे देखा 1s2, 2s2, 2p6, ps2, 3p3, एंड सिंस इसका वैलेंस शेल 3rd शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, मींस 3 सबशेल्स पॉसिबल होंगे, एस पी डी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमने एक लिया 2s ऑर्बिटल, ठीक है, और ये हमारा 2p ऑर्बिटल है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा एक बात बताओ, नाइट्रोजन में 3 से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है ही नहीं,
इसका मतलब ये सिर्फ तीन ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, तीन से अधिक नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? ओनली इट हैज द प्रेजेंस ऑफ थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट माय पॉइंट, राइट? इसलिए ये हाइपरवैलेंट स्पीशीज बना ही नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन जब फॉस्फोरस की हम बात करेंगे तो एक हमारा 3s हो गया, राइट, उसके बाद हमारा 3p हो गया, एंड नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, 3d की बात करेंगे। तो यहां देखो 3s में सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन, 3p में एक इलेक्ट्रॉन, तो तीन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन सिमिलरली अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को यहां से शिफ्ट करा दें, राइट, और यहां पे मूव करा दें, तो क्या हो जाएगा, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटीज, आई मीन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन 3s वाला था, इसको हमने जंप बाहर कैसे कराया, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एम्प्टी ऑर्बिटल, राइट। अगर ये एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता तो नाइट्रोजन की तरह ये इलेक्ट्रॉन बाहर जंप नहीं कर पाता, एंड हेंस हाइपरवैलेंट स्पीशीज का फॉर्मेशन नहीं होता। सो द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ हाइपरवैलेंट स्पीशीज आर द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। अगर एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे तो हाइपरवैलेंट स्पीशीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एक बढ़िया सा नोट लिखेंगे आप लोग, राइट, नोट में लिखोगे कि द फॉर्मेशन ऑफ हाइपरवैलेंट स्पीशीज आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। एंड ये भी एक और पॉइंट है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। ये भी होना चाहिए, मान लो कि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ही नहीं, ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज नहीं होगी, ठीक है। तो जिस सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में हम हाइपरवैलेंसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके वैलेंस शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, राइट, एंड दैट विल बिकम द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ हाइपरवैलेंट स्पीशीज, ठीक है। तो आई होप कि आपको हाइपरवैलेंट में डाइमराइजेशन, बैक बॉन्डिंग क्लियर, हाइपरवैलेंट स्पीशीज क्या होते हैं क्लियर, हाइपरवैलेंट स्पीशीज के फॉर्मेशन का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है क्लियर, हाइपरवैलेंट स्पीशीज के स्टेबिलिटी का रीजन क्या होता है, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्मड, डन, ठीक है। तो ये था हमारा इनिशियल पार्ट ऑफ द बॉन्डिंग, जहां पे हम लोगों ने ऑक्टेट रूल, राइट, ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन, ये सब डिस्कस हमने कर लिया। अब हम लोग एक्चुअल बॉन्डिंग में एंटर करेंगे।